हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 8 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9:6। ए न्यू पार्टनर is admitted, x surrender 3/15 share of his profit in the favor of z and y surrender 6/15 of his share in the favor of z. calculate new profit sharing ratio. तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि x और y दो पार्टनर थे जिनों के आपको ओल्ड रेशियो बता रखी है 9:3 है। एक न्यू पार्टनर आया है जिसके लिए एक न्यू पार्टनर जेड आया है जिसके लिए x ने सरेंडर कराया है 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब कि अपने प्रॉफिट का उसने 3/15 एक हिस्सा क्या करा है, सरेंडर करा है। सेम इसी तरीके से y ने भी 6/15 एक अपना हिस्सा प्रॉफिट का क्या करा है, सरेंडर करा है जेड के लिए। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि एक्स और वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको एक्स का शेयर पता करना है जो कंट्रीब्यूट किया है 3/15 मल्टीप्लाई 9/15 करना है। 3/15 कौन सा है, जो कि आपको पता है कि 3/15 शेयर क्या करा है, 3/15 जो एक हिस्सा है वो क्या करा है, वो सरेंडर करा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/15 का 3/15 शेयर उसने सरेंडर करा है, तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 27/225। ये आप 9 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3/25 आएगा। सेम इसी तरीके से वाई का शेयर आपको कैलकुलेट करना है कि वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 6/15 मल्टीप्लाई 6/15 करना है, क्योंकि 6/15 यहाँ मेंशन है ना वाई शेयर में, और ये इसके ओल्ड रेशियो भी इसकी 6/15 है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 36/225। इसको भी 9 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 4/25 आएगा। अब यहाँ पे आपको पता करना है क्या कि एक्चुअल में अब एक्स और वाई के पास न्यू शेयर क्या बचा, क्योंकि इतना शेयर तो इन्होंने क्या करा, इतना शेयर तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब इनके पास बचा कितना, तो यहाँ पे न्यू रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर शेयर करेंगे आप। तो ओल्ड रेशियो कितनी है एक्स की 9/15 जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है, माइनस कर दीजिए 3/25। तो ये आपके पास एलसीएम आएगा 75 का। 15 के टेबल में 75 कितने पे आता है, 5 पे आता है, 5 9 का होता है 45। 25 के टेबल में 75 3 पे आता है, 3 3 का 9 होता है, तो 45 माइनस 9 करेंगे तो 36/75 आएगा। सेम इसी तरीके से y का न्यू शेयर कैलकुलेट कीजिए, 75 ही एलसीएम आएगा। 15 के टेबल में 75 5 पे आता है, 5 6 का 30 होता है। 25 के टेबल में 75 कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 4 का 12 होता है, तो 30 माइनस 12 करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर 18/75 आएगा। और C का न्यू शेयर आपको कैसे पता चलेगा, C का न्यू शेयर आपको पता चलेगा आप 3/25 और 4/25 को प्लस कर देंगे तो ये 7/25 आएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है 36/75, 18/75 और 7/25। यहाँ पे आपके पास देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर से एलसीएम लिया जाएगा, तो 75 आपके पास आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपके पास 36:18:21 कैसा है ये समझिए, 25 के टेबल में 75 3 पे आता है, 3 7 का 21 होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी एक्स वाई जेड की वो 36:18:21 होगी। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 के टेबल में डिवाइड होता है तो 12:6:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।